इंडिया टीवी आपकी आवाज। देशभर में आज से स्वच्छता अभियान। पीएम मोदी ने देशवासियों से श्रमदान में शामिल होने की अपील की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और हर प्रयास मायने रखता है। आज तेलंगाना दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2:15 बजे तेलंगाना के महबूब नगर पहुंचे पीएम मोदी। सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। महबूब नगर में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी दिखाएंगे हरी झंडी, रवाना करेंगे। 37 किलोमीटर केलर कृष्णा हाईवे रेलवे लाइन के बाद लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी प्रमुख सड़क परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। वारंगल और खम्मम के बीच 14 किलोमीटर और खम्मम और विजयवाड़ा के बीच करीब 27 किलोमीटर यात्रा की दूरी कमी हो जाएगी। पीएम मोदी हसन चिरापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के 5 नए भवन का उद्घाटन होगा। बिलासपुर से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा कि भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय। पीएम मोदी बोले, डिप्टी सीएम ने सच बोला तो कांग्रेस में मचा तूफान, छत्तीसगढ़ के विकास के सामने। 2 अक्टूबर को ग्वालियर जाएंगे पीएम मोदी, पीएम आवास योजना का उद्घाटन करेंगे, जनसभा भी करेंगे। एमपी में राहुल गांधी ने खोला ओबीसी को लेकर कार्ड, कहा कि सरकार बनी तो कराएंगे जातिगत जनगणना। राहुल गांधी ने कहा कि 90 अफसर देश चलाते हैं, उनमें सिर्फ 3 ओबीसी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह से हारने वाले, शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का निशाना। सियासत में फ्रंट फुट पर होती है बैटिंग, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, कांग्रेस नहीं होगी सत्ता में करवाई हुई वापसी। दिल्ली में बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक आज, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी और राजेंद्र राठौर शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट और चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा। कोर ग्रुप की बैठक से पहले प्रहलाद जोशी के घर राजस्थान में मंथन बाबा बालकनाथ और अर्जुन राम मेघवाल रहे मौजूद। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी प्रहलाद जोशी से की मुलाकात, राजस्थान को लेकर रणनीति पर चर्चा की। प्रहलाद जोशी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात, ओम बिरला से भी मिले थे जोशी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज नीमकाता थाने में करेंगे किसान महासम्मेलन, जनसभा को संबोधित करेंगे। अशोक गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की आज होगी बैठक, आचार संहिता लगाने से पहले कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर अटैक, बीजेपी को हमारी सरकार नहीं गिरा पाने का मलाल, उनके दिलों में आज भी लगी हुई आग। अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम हमारी अच्छी योजनाओं को देश में करेंगे लागू, झूठे आरोप लगाकर ना करें लोगों को भ्रमित। राजस्थान में वैट कम करने की मांग पर आज फिर बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पेट्रोल पंपों की रहेगी हड़ताल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में आज बुलाई अहम बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। मुंबई में 2 अक्टूबर को मार्च निकालेंगे इंडिया गठबंधन के नेता, निशाने पर रहेगी बीजेपी की नीतियां। ओबीसी आरक्षण के संरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन खत्म, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, रिजर्वेशन में नहीं होगी कटौती। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर बोले संजय राउत, देश में सिर्फ एक ही शिवसेना जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी। लोकसभा से पहले विपक्ष को झटका, वंचित महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के सभी 38 सीटों पर लड़ने का किया ऐलान। एचडी कुमार स्वामी और अमित शाह की मुलाकात से नाराज जेडीएस नेता इब्राहिम, कहा कि पार्टी अध्यक्ष द्वारा लिया जाना था निर्णय। प्रदर्शन से पहले बोली टीएमसी नेता सुष्मिता देव, बीजेपी ने व्यवहारिक रूप से की बंगाल के लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा। सुष्मिता देव ने कहा कि बंगाल के लोगों ने कई चुनौतियों का सामना किया है, समय लगेगा लेकिन हम लड़ाई के साथ तैयार। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर बोले टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश, ये कुछ और नहीं बल्कि शासन का बदला। नारा लोकेश ने कहा कि सरकार ने अपने पद का किया दुरुपयोग, कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ क्योंकि नहीं किया गया कोई अपराध। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत धन हस्तांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, लाभार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। 1,35,104 शिक्षित बेरोजगारों को जारी किया गया 35,38,00,000 से 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, सीएम ने दी जानकारी। भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार ने 14 साल में दिया था 90 करोड़, हमने 6 महीने में उसका 2 गुना 182 करोड़ दिया। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का केसीआर और असदुद्दीन पर निशाना, कहा कि दोनों प्रदेश को लूटने में लगे हैं। आरजेडी नेता अब्दुल्ला बारिक सिद्दीकी के लिपस्टिक और बॉब कट वाले विवादित बयान पर बवाल, बीजेपी ने देश की बेटियों के और महिलाओं के लिए बदतमीजी करने के लिए कहा। रविशंकर प्रसाद बोले आरजेडी नेता की महिलाओं पर टिप्पणी शर्मनाक, नारी शक्ति का अपमान, पूछा कि आरजेडी महिला आरक्षण की नहीं चाहती। विवादित बयान पर अब्दुल्ला सिद्दीकी की सफाई, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि गांव की महिलाओं को समझाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जेएमएम सांसद महुआ माझी की बारी सिद्दीकी को नसीहत, ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे महिलाओं को ठेस पहुंचे। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान, महिलाओं के लेकर ऐसी सोच खतरनाक। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का हुआ ट्रायल रन, सीएम शिवराज ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो टीम को बधाई दी, कहा कि अब मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ेगा। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, कहा कि अपना इंदौर बना मेट्रो शहर, 2028 तक इंदौर और उज्जैन को मेट्रो से जोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सीएम पेमा खांडू ने दिखाई पहली तवांग मैराथन को हरी झंडी, तवांग के हाई अल्टीट्यूड स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन।
मैराथन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, सेना और अरुणाचल सरकार ने साथ आकर अच्छा काम किया, ये देखकर खुशी हुई। सीएम पेमा खांडू बोले कि पहली बार राज्य सरकार ने सेना के साथ मिलकर मैराथन का आयोजन किया, करीब 250 धावकों ने हिस्सा लिया। जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में लगी प्रदर्शनी, चुनाव आयोग ने स्वीप प्रदर्शनी आयोजित की। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, सरकार 15 दिन पहले से ही सारी तैयारियों में जुटी है। बढ़ती ठंड के साथ बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर गोपाल राय ने कहा कि इस साल बनाया गया हॉटस्पॉट एक्शन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने शोभा डेवलपर्स के साथ एमओयू किया साइन, अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट को विकसित करने के लिए एमओयू साइन किया गया। कावेरी जल विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम, मैं तमिलनाडु से सांसद इसलिए राज्य की मांगों पर डाल सकता हूं दबाव। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कर्नाटक के संसद सदस्य भी कर्नाटक की मांगों पर डालेंगे दबाव, मुझे मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आयोग्य। असम मेघालय सीमा विवाद को लेकर शनिवार को हुई बैठक, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने दी जानकारी। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि सौहार्दपूर्ण ही रही चर्चा, हम सब कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि अब न्यायिक आयोग के बजाय मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध करेंगी दोनों राज्य सरकारें। झारखंड के गिरिडीह में बाढ़ के पानी में फंसी दो छात्राएं सीआरपीएफ ने बचाया। सीएम केजरीवाल ने भलसवाड़ लैंडफिल साइट का दौरा किया, कहा कि अब तक 18 टन कूड़ा कम किया गया है। केजरीवाल के बयान पर मीनाक्षी लेखिका पलटवार, कूड़े का पहाड़ कम करने में एलजी का योगदान, केंद्र सरकार ने नहीं दिया पैसा। आयुर्वेद व्यासपीठ कार्यक्रम में शामिल हुए गोवा के सीएम, कहा कि मोदी जी के पीएम बनने के बाद आयुर्वेद की कीमत बढ़ी। सीएम सुक्खू ने 3500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज घोषणा की, 7 जुलाई से 30 सितंबर के बीच प्रभावित लोगों को मिलेगा लाभ। स्कॉटलैंड में कट्टरपंथी सिखों के भारतीय उच्चायुक्त गुरुद्वारे में जाने से रोकने पर भारत का कड़ा रुख, भारत सरकार ने ब्रिटेन से जताई नाराजगी। साउथ हॉल गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने स्कॉटलैंड घटना की निंदा की, कहा कि सभी को मत्था टेकने का अधिकार। स्कॉटलैंड मामले की बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने की निंदा, कहा कि कोई भी गुरुद्वारे में कर सकता है अरदास। एसजीपीसी जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि स्कॉटलैंड मामले से दुनिया भर में सिखों की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है, 2047 तक 10 गुना हो जाएगा देश का अर्थव्यवस्था, जबलपुर में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का बड़ा कार्यकाल, अगले साल जून तक रहेंगे सीबीडीटी के चेयरमैन। मणिपुर में दो युवकों की मौत का मामला, सीएम वीरेंद्र सिंह बोले सीबीआई टीम कर रही है जांच, जल्द पकड़े जाएंगे दोषी। प्रतीक गांव रखवेली कोबरा के ध्रुव पार्थिव शरीर सिंहभूम जिले में नक्सलियों के आईडी विस्फोट में हुए शहीद, ब्लास्ट में ज्यादा खून बहने से गई है राजेश ध्रुव की जान, लोगों ने कोबरा जवान को श्रद्धांजलि दी, अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, इलाके में तेजी से गिरा पारा, असम के धुबरी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.1 नापी गई है तीव्रता। कुन्नूर के मलापालम में पास खाई में गिरी बस, 8 लोगों की मौत, 35 घायल, ऊटी से मट्टू पलायम जा रही बस में सवार थे 60 यात्री, मौके पर पहुंचे बचाव दल के सभी लोगों को निकाला गया बाहर, हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को कराया गया भर्ती। कोलकाता के एलियट रोड इलाके में परफ्यूम गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता, तलाशी अभियान में मिले हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास ने जारी की प्रेस रिलीज, 1 अक्टूबर से परिचालन बंद करने के निर्णय की घोषणा की। बढ़ते बिजली बिल को लेकर पीओके के मुजफ्फराबाद में भारी विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। 7 अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे 2000 के नोट, आरबीआई ने जारी किया नया सर्कुलर। भारत और इंग्लैंड के बीच वार्म अप मैच, बारिश में धुला, नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद। भारत अब अपने अगले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा, तिरुवनंतपुरम में 3 अक्टूबर को होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स का मैच भी बारिश की भेंट चढ़ा, बारिश की वजह से 23-23 ओवर का किया गया मैच। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 23 ओवर में 166 रन बनाए, नीदरलैंड्स के 84 रन पर गिर गए थे 6 विकेट, 15वें ओवर में बारिश ने मैच को फिर रोका। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क ने की घातक गेंदबाजी, स्टार्क ने हैट्रिक लेकर नीदरलैंड्स को दिया बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने 55 रनों की पारी खेली, ग्रीन ने 34 और एलेक्स कैरी ने 28 रन बनाए। एशियन गेम्स के मेडल टैली में चीन सबसे अधिक पदक लेकर पहले नंबर पर पहुंचा, जापान दूसरे और भारत चौथे नंबर पर पहुंचा। एशियन गेम्स के 7वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। टेनिस के मिक्स्ड डबल्स में भारत को मिला गोल्ड, रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले ने जीता स्वर्ण पदक। स्क्वाश में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, 2014 के बाद पहली बार भारत ने स्क्वाश में गोल्ड जीता है। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत को सिल्वर मेडल, फाइनल में सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस की जोड़ी चीन से हारी। हॉकी में भारत की टीम ने रचा इतिहास, 66 साल में भारत ने पाकिस्तान को सबसे बड़ी हार दी, भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया। भारत ने कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने 4 गोल दागे, वरुण ने 2 गोल किए, शमशेर सिंह 4 और बाकी खिलाड़ियों ने एक एक किया। 2013 से अब तक खेले गए 25 मैचों में भारत ने पाकिस्तान को 17 मैचों में शिकस्त दिए, 5 मैच में पाकिस्तान को मिली जीत, 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दिया जीत का मंत्र, कहा कि सफलता के लिए ट्रेनिंग और तकनीक जरूरी। नीरज चोपड़ा का 4 अक्टूबर को फाइनल मैच, नीरज चोपड़ा बोले अच्छा होगा फाइनल में
पिछले एशियन गेम्स में भी जीता था गोल्ड मेडल।